हाय बेबी, हाउ आर यू? बढ़िया, तुम बताओ। यार मुझे ना 5 मिनट में निकलना पड़ेगा। क्यों? यार वो मेरी मौसा जी को ना हार्ट अटैक आया, तो जाना तो पड़ेगा। ओह अच्छा, तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। नहीं नहीं, एक पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। यार इतनी अरेंजमेंट्स की है तुमने, पिज्जा तो बनता है। एक्सक्यूज मी, एक मार्गरिटा पिज्जा? नहीं नहीं, एक फार्म हाउस प्लीज। एक फार्म हाउस? यार मेरी जीजू ना पहले से बेटर है अभी। तुम तो कह रही थी उस दिन कि तुम्हारे मौसा जी को हार्ट अटैक आया। अरे तो मेरे तो मौसा जी ही है ना, मेरी मम्मी के जीजू। क्या हर्ष, तुम भी मेरे तो मौसा जी ही हो ना? हाँ बिल्कुल। और भाई दिस इज वन ऑफ द 10 रेड फ्लैग्स दैट यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हेन यू सी इन अ गर्ल, कि उस लड़की को तो बिल्कुल भी डेट करना ही नहीं है। तो देखो यार, कई बार लड़कियां झूठ तो बोलती हैं, जैसे यार मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ कि मैं यार 10 मिनट में आ रहा हूँ, बट जैसे हमारे दोस्त भी बोलते हैं भाई मैं पहुंच गया बट अभी तो घर से भी निकला नहीं होता, दैट इज साइन। बट व्हेन ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वो तुमसे झूठ बोल के कहीं और निकलती है कि किसी की डेथ हो गई है या मुझे किसी से मिलने जाना है, बट वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही है या पता नहीं कहां गई है, तो दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग। बिकॉज कई बार ऐसे होगा, अगर लड़की बोल भी रही है ना कि यार मैं यहां जा रही हूं एंड वो वहां पे नहीं गई है, हम कितना भी ट्राई कर ले पता करने का, हमें कई बार पता भी नहीं चलने वाला कि वो कहां जा रही है। बट अगर हमें क्लियरली दिख रहा है कि यार ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और कुछ छुपा रही है, then we don't need to really understand कि वो क्या छुपा रही है, and वहाँ पे we can sort of stay away from her and we can understand कि भाई ये यहाँ पे red flag है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि अगर तुम्हें कभी भी पता चले कि वो अपने ex boyfriend से touch में या किसी ऐसे लड़के से मिलने गई है जिससे तुम uncomfortable feel करते हो, then भाई that is not the girl for you। हेलो, हाय हर्ष। यार मैं एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, कुछ सामान मंगाना था। 1 kg दाल ले लेना और चीनी ले लेना। अच्छा वो भी? और हाँ एक मैगी का पैकेट भी ले लेना, और डिटर्जेंट पाउडर भी नहीं है। ओके ओके। अच्छा जब इतना लेके ही आ रहे हो तो एक काम करना, एक चिप्स का पैकेट भी ले लेना। ठीक है डन। हाय बेबी, तुम आ गए, सारा सामान मिल गया। अच्छा अंदर आ जाओ। बेसिकली जब लड़की एक नई रिलेशनशिप में आते हैं तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसको पिक करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं, उसके लिए सामान लेके जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं महंगे महंगे। एंड जनरली ऐसी सिचुएशन भी होती है कि तुम उसके घर जा रहे हो, वो बोलते हैं यार बेबी एक चीज ले आओगे, बोलते हाँ हाँ ले आएंगे, फिर एक की दो, दो की तीन, चार चीजें हो जाती है और पूरे घर का राशन और बिजली का बिल और उसका रेंट सब कुछ तुम ही दे रहे होते हैं, और धीरे धीरे करके तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो होता रहता है। ये लड़के इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ना अपनी खुद की वैल्यू रियलाइज नहीं होती है, उन्हें लगता है यार फाइनली एक लड़की मिली है जो मुझे डेट कर रही है, अगर मैंने कभी मना कर दिया तो ये फिर यहां से चली जाएगी। But you need to realize कि in a relationship she is also getting a lot of emotional support with you by being with you, and उसको भी एक companion मिल रहा है जिसके साथ वो time spend कर रही है। It's not only you getting all of the things out of her. So एक relationship में जब तक mutual exchange नहीं रहेगा, you will feel bad. उसके ऊपर से if she can take advantage of you this easily, she will lose all respect for you. And थोड़े time बाद वो बोलेगी यार तुम तो बदल गए हो, and मेरे को तो दूसरा लड़का पसंद है, और फिर तुम्हारा वहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे एक simple rule है भाई, don't treat her any differently that you would treat your friends when you starting to date. After some time, जब तुम्हारा relationship थोड़ा serious turn हो रहा है, वहाँ पे you can of course do favors for her. Like you can pick her up, you can drop her off. शुरू से ही एकदम वहाँ पे जाके उसका एक personal assistant बनके मत रह जाना। यार हर्ष, तुम अपनी कार को clean नहीं करते क्या? क्यों क्या हो गया? इतनी गंदी smell आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही? यार हर्ष, हम इस कार में कैसे जाएंगे इतनी long drive पे? कोई और comfy कार होती तो कितना मजा आता। भाई दिस इज अनदर मेजर रेड फ्लैग। यहाँ पे लड़की गाड़ी में घुसते ही कंप्लेन करे जा रही है कि भाई ये गंदा, ये बेकार, तुम्हारी गाड़ी छोटी है। बेसिकली वो तुम्हें क्रिटिसाइज करेगी, कंडेम करेगी और कंप्लेन करती रहेगी। एनी टाइम यू मीट अ गर्ल लाइक दिस यू कैन नेवर सैटिस्फाई हर, वो कभी भी तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी और तुम्हारी जिंदगी को परेशान कर देगी। इतना तक कि थोड़े टाइम बाद अगर तुम अपने से खुश हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला जाएगा उसकी बकवास सुनते सुनते दैट यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, एंड वहां पे अगेन इट्स नेवर गोना टर्न आउट वेल फॉर यू। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। अच्छा तुमने कभी अपने फ्रेंड से नहीं मिलवाया? प्लान बनाते सबके साथ, रिया निकिता सबके साथ? नो वे। क्यों? यू डोंट नो अबाउट रिया। तुम्हें पता है वो कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है? एक बंबल पे लड़का मिला ठीक है, और वो उसे इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट ले जाती है जहाँ वो पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। पर तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड थी ना, और निकिता? यार निकिता तो उससे भी बड़ी वाली है। तुम्हें पता है वो मुझसे कितना जेलस करती है? अभी रिसेंटली मैंने फरीदा गुप्ता से कुर्ती ऑर्डर की, डिजाइनर कुर्ती यू नो, और उसने सेम कुर्ती कॉपीड ऑर्डर कर ली। मुझे तो रोना पंच मारो उसके फेस पे। भाई उसके जो खुद के दोस्त है जिनके साथ वो उठती बैठती है, उनको बहुत टाइम से जानती है, एंड देयर वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल फॉर हर, ये उनके बारे में ही नेगेटिव चीजें बोली जा रही है। तो भाई हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पर्सन जो अपने दोस्तों के बारे में नेगेटिव चीज बोल रहा है उनके पीठ पीछे, जिसका मतलब है अगर वो कहीं और जाएगी तो तुम्हारे बारे में भी वही नेगेटिव चीजें बोलेगी। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। हाँ अरिन भाई, हाँ हाँ पक्का पक्का डन, चलो मैं करता हूँ। यार तुम ना उस आर्यन से दूर रहा करो। क्यों, उसने क्या किया? डोंट रिएक्ट लाइक दैट, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, जब देखो तब उधार मांगता रहता है। अरे उसका अभी नया नया बिजनेस उसने चालू किया है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता है एक दिन वो तुम्हारे सारे पैसे लेके भाग जाएगा। यार प्लीज, मेरा दोस्त है वो।
और यहाँ पे तो भाई हद ही हो गई, अपने दोस्तों को उसने छोड़ा तो भाई अब हमारे दोस्त को पकड़ लिया, अब वो हमारे दोस्तों के बारे में नेगेटिव चीजें बोले जा रही है। सो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू इज शी ट्राइंग टू बी वेरी कंट्रोलिंग ऑफ योर लाइफ, कि तुम्हारे सारे दोस्त बेकार हैं और उनकी बस नेगेटिव चीजें उसको दिखी जा रही हैं। एंड दिस इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अपने इस दोस्त से दूर रहिए, तेरे को बिगाड़ रहा है भाई, बट हमारे पेरेंट्स को पता नहीं कि हमारे अंदर भी ऐसी क्वालिटीज है इसीलिए हम उनके साथ दोस्त हैं। सो शी इज जस्ट पेडेस्टलाइजिंग यू कि भाई तुम ही एक परफेक्ट लड़के हो या तुम्हारे अंदर जो भी नेगेटिव चीजें वो होनी नहीं चाहिए और हैं तो किसी और की वजह से आ रही है। बेसिकली शी विल नॉट एक्सेप्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ यू। एट द सेम टाइम जिस लड़की से तुम थोड़े टाइम पहले ही मिले हो उसकी बातें सुन के अपने दोस्तों के बारे में भी खुद नेगेटिव सोचो या उनसे दोस्ती कट कर दो, ये तो पता नहीं भाई कहीं किसी को बेनिफिट हुआ है कभी भी। याद है हम लास्ट पार्टी करने गए थे जहां पे? हां भाई भाई यार वो तो उसके पीछे था यार, तू उसके पीछे था लेके। ए मैं नहीं था, तू था। अबे लेकिन तू भी था। लेकिन गगन तुम अभी थोड़ी देर के लिए चले जाओगे क्या? मुझे इससे कुछ बात करनी है। अब प्लीज इफ यू डोंट माइंड। चला हर्ष क्या है ये? क्या क्या है? तुम जब देखो तब फ्रेंड्स के साथ ही रहते हो, हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा यार। कब नहीं मिलता? कब मिल रहा है ना, मैं बैठ के बात कर पाती हूँ ना कुछ, जब देखो तब कोई ना कोई आया ही रहता है तुम्हारे पास। भाई ये तो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है दैट शी डजंट गिव यू स्पेस, नाइदर डज शी अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज। अगर एक लड़की इतनी ज्यादा चेप हो रही है तुम्हारी लाइफ में कि वो इतनी अंदर घुस के तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी टाइम नहीं स्पेंड करने दे रही है, तुम पता नहीं क्या ही करोगे। इट्स नॉट लाइक यू डेटिंग अ गर्ल, यहाँ पे तुमने किसी बच्चे को पाल लिया है और उसको तुम्हें पूरे टाइम सुबह शाम भरण पोषण करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दिस इज द काइंड ऑफ गर्ल दैट यू लुकिंग फॉर। अगर उसने तुम्हारे साथ कभी शेयर कराया दैट शी चीटेड ऑन एक्स बॉयफ्रेंड, देन देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड शी माइट चीट ऑन यू एज़ वेल, सो दैट्स अ रेड फ्लैग। अगर तुम्हें जल्दी पता चल जाए, स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल। ऑल्सो अनदर थिंग, लड़की रिलेशनशिप में हो सकती है एंड देन यू माइट बी द गाय जिसके साथ उसने चीट करा है, देन बाय व्हेन यू डेट हर तब भी तो शी कैन चीट ऑन यू विद समवन एल्स, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। लड़कियां कई बार ना माइंड गेम्स खेलती हैं एंड रादर देन क्लियरली डिस्कसिंग इट विद यू या मैच्योर वे में बात करके उसको रिजॉल्व करना, वो वहां पे तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, या फिर तुम कुछ बोलते हो यार तुम ठीक हो, कहते हाँ ठीक हो तुमसे मतलब, या फिर लेट्स से अपनी कुछ बात मनाने के लिए तुम्हें दो या तीन दिन इग्नोर करेगी और वहां पे तुम्हारे बाउंड्रीज क्लियर है कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए। उसने जब तुम्हें इग्नोर करा तुम रोने लग जाओगे, तुम बोलोगे अच्छा ठीक है बेबी जो तुम्हें करना है कर लो। एनी टाइम अ गर्ल इज प्लेइंग माइंड गेम्स भाई बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जितना जल्दी समझ आ जाए उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। कुछ टाइम से देख रहे हो हम बैठ ही नहीं पा रहे। सुबह भी बैठे थे। वो बैठना बैठना होता है, पूरे टाइम तुम फ्रेंड्स के साथ बैठो वो कुछ नहीं है यार, एक पर्सनल टाइम भी तो चाहिए होता है ना। ठीक है ना, कितना पर्सनल टाइम, उनके साथ बैठते वो पर्सनल टाइम होता है, मेरे साथ मतलब तुम्हें प्रॉब्लम है मुझसे यार? ऐसा नहीं है मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश। सुनो अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम रहो उनके साथ, मैं चली जाती हूँ। नहीं मैंने कब कहा जाने के लिए, मतलब एक माइंड फ्रेश हो जाता है उनके साथ बैठोगे, दोस्तों के साथ बैठना भी जरूरी है ना। प्रॉब्लम होती है तुमको बैठने में, माइंड फ्रेश करने के लिए दोस्तों के पास जाना पड़ता है। यार तुम भी तो जाती हो अपनी किटी पार्टीज के लिए, मैं थोड़ी बोलता हूँ। मैं जाती हूँ तब तुम होते हो घर पे अकेले, करते हो बातें अपने फ्रेंड्स से, जब मैं होती हूँ तब तो एटलीस्ट मुझसे बात किया करो। शी ब्रिंग्स ड्रामा इनटू योर लाइफ कि भाई ज्यादा कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कभी कोई लड़की जा रही है तुमने बस उसको मुड़ के देख लिया, तुम चेकआउट भी नहीं कर रहे थे, यू जस्ट मतलब नजर चली जाती है, बट शी मेक्स अ बिग डील आउट ऑफ इट और रोने लग जाती है, बोलती है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, यू डोंट लाइक मी इनफ एंड यू आर अ फकिंग एसहोल। आल्सो यू विल आल्सो नोटिस द गर्ल्स दैट ब्रिंग ड्रामा इनटू योर लाइफ, उनके पास कुछ ना कुछ परेशानी होती है भाई, आज ये हो गया आज वो हो गया, आज मेरी गाड़ी टूट गई, मेरी मम्मी ने ये बोल दिया वो कर दिया, कोई कोई एक्स बॉयफ्रेंड उसके तुम्हें कॉल करने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इफ दिस हैपेंस इट्स अ क्लियर साइन भाई, ये बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग है। अगर एक लड़की एक महीना भी नहीं हुआ है वो 5-6 साल से एक लड़के को डेट कर रही थी एंड she wants to date you instantly that she's fresh out of a relationship, to bhai yahan pe na there's a very higher likelihood that she's just using you as a rebound, matlab agar tumhe casual rakhna hai yahan pe ki bhai theek hai ye ladki ka dil toota hua and she wants someone to comfort her, I'm fine main casual situationship chala lunga, that's okay, but if you're falling in love with her that's going to be a problem because wo tumhare sath relationship isliye nahi aa rahi kyunki usse tum bahut zyada pasand ho, but isliye kyunki uska abhi dil toota hua hai aur usko wahan pe koi banda chahiye jo usko help kare aur usko support kare, to jab baad mein uska dil theek ho jayega to wo tumhe chhod degi and then she will go after the guy that she really likes. In 90% of the situations, anytime a guy is a rebound और वो वहाँ पे attach हो जाता है, उसका by the end of it कटता ही है. So if you're getting involved with the girl जिसके साथ उसका बस rebound हो रहा है, please keep it as surface level only, जब तक थोड़ा वो heal ना हो जाए. And these were the 10 red flags that तुम्हें ध्यान रखने चाहिए before getting into a relationship with a girl. अगर तुम्हारी dating life में problems आ रही हैं अभी and you feel you're not confident enough to talk to girls, तुम confused हो, then we run an online mentorship program called Mentorship 2.0, where we handhold you and help you every step of the way to build that confidence to learn how to talk to girls and be in an epic, deeper, fulfilling relationship. To apply, you can book a free consultation call with one of our dating experts, जहाँ पे हम आपसे call पे बात करेंगे कि भाई आपकी life में problem क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, उसको कैसे हम solve कर सकते हैं, and we'll come up with a plan and solve your dating problems. Link मैंने description में डाला हुआ है, or you can go to ironmanlifestyle.co/coaching. You'll find a form there. Apply for it, choose a time when you want us to call you, and I'll see you guys in the mentorship. If you like the video, guys, make sure you hit the subscribe button. Spank it, smash it, demolish it. I'll see you guys in the next one. Cheers. Bye.